प्रिय विद्यार्थियों, RCI एज हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में आगे बात करेंगे वही आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल। इससे पहले कि हमने वीडियो में हमने दो तीन क्वेश्चन सोल्व किए थे, और क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऐसा पोर्शन है उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में अधिकांश जो गलतियाँ हैं वो बच्चे इसमें ही करते हैं, क्योंकि सबको न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा डर लगता है सोल्व कैसे होते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें जितना अभ्यास करोगे आप, उतने ही आपकी समस्याएं दूर होंगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस में आप ध्यान रखेंगे, शर्त ये इसमें कि आप इसमें जो चिन्ह परिपाटी होती है उसका विशेष ध्यान रखेंगे। चिन्ह परिपाटी में आप गलती नहीं करनी है, उसके अलावा इसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं होगी। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर कोई बीम रखी गई है। यदि इसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बनता हो तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने 40 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है, तो उसकी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसमें लिखा करो, करते समय हमने क्या क्या दिया क्या है और हमें क्या क्या करना है। हमें इसमें दिया है बिंब की दूरी, हम यू का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। आगे में दिया है प्रतिबिंब की दूरी, वी का मान है 30 सेंटीमीटर, और जो फोकस दूरी है स्मॉल f का मान हमें ज्ञात करना है। हम लगाएंगे सूत्र, हम जानते हैं दर्पण सूत्र से, जो क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। ठीक है, अब हमें u का मान दे रखा है और हमें f का मान ज्ञात करना है 1/f। देखो, f का मान हमें ज्ञात करना है तो f का f ही रहेगा, 1/f = 1/v। v का मान है 30 सेंटीमीटर, u का मान है 15। फिर आगे हम लेंगे चिन्ह परिपाटी से भाई ध्यान रखना हमेशा कि इसमें जो वैल्यू हम ज्ञात कर रहे हैं उसका चिन्ह चेंज आपको नहीं करना है। जो राशि बाकी बच गई है उनकी आपको वैल्यू चेंज करनी है, चिन्ह चेंज करना है। ये दो वैल्यू है, इनके आपको चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे चिन्ह परिपाटी से। तो देखो, अपन जानते हैं दर्पण अवतल है, तो अवतल में अपन जानते हैं यू वी माइनस का होता है और वी वी माइनस का लेते हैं, तो 1/f = -30 + -15। यहाँ क्या आ जाएगा, 1/f = -30 ये भी आ जाएगा, गुणा करके -1/15। इसका एलसीएम लेंगे 15 और 30 का, जो कि 30 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 1/f = 30 का एलसीएम आ गया 30 माइनस 1 और माइनस का 2, तो 2 × 3, तो 1/f = -3/30 इसे काट देंगे, 1/f = -1/10, और यहाँ से देखो एफ मान क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये आ गया एफ मान -10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हमने फोकस दूरी का मान ज्ञात कर लिया जो कि -10 सेंटीमीटर आया है। फिर हम आगे क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान हमें दे रखा है 20 सेमी है, इसके सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु को बिंब रखी गई है, हमें इसमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। भाई
हमें इसमें बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसमें बी का मान ज्ञात करेंगे, हमें इसमें दिया है क्या, हमें दिया है फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, हमें दिया है वस्तु की दूरी u बराबर 40 सेंटीमीटर, हमें केवल v का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे, हम जानते हैं दर्पण सूत्र से, ठीक है, क्या है, एक बटा एफ बराबर एक बटा वी प्लस एक बटा यू। एक बटा एफ का मान 20 लेंगे, 20 बराबर एक बटा वी, वी का मान लेंगे, वी का मान हमें ज्ञात करना है, वी का भी रहेगा और ये आ जाएगा एक बटा 40, ठीक है भाई। यहां लेंगे चिन्ह परिपाटी से, हमें चिन्ह लेने हैं, चिन्ह परिपाटी से देखो तो एक बटा 20 एफ का मान माइनस लेंगे, आप जानते हैं कि दर्पण अवतल है इसमें सब क्या होते हैं माइनस में होते हैं, तो एफ मान आ जाएगा माइनस का 20 बराबर वी का मान हमें ज्ञात करना है, वी का भी रहेगा एक बटा वी, और भी आगे देखो प्लस यू का मान है 40, तो ये आ जाएगा माइनस का 40, तो एक बटा 20 माइनस का है, इधर ले आओ इसको, ऐसा करो एक बटा वी आ जाएगा माइनस के बटा 40, हम वी का मान चाहिए, वी का मान हमें ज्ञात करना है, इधर ले आओ एक बटा 40 को, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का एक बटा 40 बराबर एक बटा वी। इसका ले एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे अपन, 40 आ जाएगा इसका एलसीएम 40 और माइनस 2 प्लस 1 बराबर एक बटा वी, माइनस एक बटा 40 बराबर एक बटा वी, तो माइनस का वी बराबर 40 और वी का मान क्या आ जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये भाई इसका आंसर, यहाँ से वी का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो अब आप समझ गए होंगे, अब मेरे विचार से किसी भी आंकी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपन ने लगभग 5 या 6 अपन ने आंकी प्रश्न सोल्व कर लिए हैं, फिर वो दिक्कत आए तो आगे फिर से आपको एक दो एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, और इन जो नोट्स हैं वो आप उतार कर आना, वीडियो देख करके आपको इसको समझना है। थैंक यू।